विजय दशमी पर्व पर शनिवार को सिवनी मालवा अनुभाग के डोलरिया शिवपुर सहित सिवनी मालवा थाने में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान सभी थानों में विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की गई। शस्त्र पूजन कार्यक्रम के लिए सिवनी मालवा थाने में SDOP राजू रजक और थाना प्रभारी उषा मराबी, शिवपुर थाने में थाना प्रभारी विवेक यादव सहित डोलरिया थाने में थाना प्रभारी कुमान सिंह पटेल ने बकायदा शस्त्र सजा कर रखे थे। मौजूद पंडितों ने मंत्र उच्चारण कर शस्त्र पूजन अनुष्ठान संपन्न कराया। शस्त्र पूजा के बाद थाना अधिकारी और कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दशहरे की बधाई दी। दशहरे के मौके पर पुलिस थाने में शस्त्रागार का भक्तिमय माहौल रहा। SDOP TI समेत सभी पुलिस कर्मी शस्त्र पूजा में शामिल हुए। मंत्रोच्चार के साथ सुबह 11 बजे देवी आराधना शुरू हुई, जो कि लगभग 2 घंटे तक चली। कानून व्यवस्था बनाए रखने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी पुलिस थाने में खड़ा किया गया। अक्षत पुष्प चढ़ाकर सभी की पूजा की गई। SDOP राजू रजक ने बताया कि पुलिस थाने में दशहरे के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा है। इसके चलते TI सहित सभी पुलिस कर्मियों ने पुलिस थाना में शस्त्रों का विधि विधान से पूजन किया है। SDOP तथा थाना प्रभारी ने इस मौके पर कहा कि विजय दशमी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। पुलिस विभाग में शुरू से ही शस्त्र पूजन की प्रथा है, क्योंकि शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे में पुलिस का प्रयास है कि वे बुरा काम करने वाले, देश विरोधी ताकतों और हिंसा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करे। सर, दशहरे पे शस्त्र पूजा का थाने में आयोजन किया गया था। दशहरे के उपलक्ष्य में जैसे हमारी प्रथा है पुलिस की, कि इस त्योहार पे हमारे शस्त्र की पूजा की जाती है, जिससे हमारी ईश्वर रक्षा करता है। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा हमारे मंदिर में शस्त्र पूजन रखा गया, जिसमें हमारे राजनीतिक बंधु भी आए, पत्रकार बंधु आए और पूरा समस्त स्टाफ वहां रहा। और उसके उपलक्ष्य में दशहरे के आज शस्त्र पूजन किया गया और सभी से ईश्वर से प्रार्थना की गई कि सबको सुख संपत्ति दे भगवान और सभी को अच्छे से त्योहार मनाने की सद्बुद्धि दे।